दर्पण 2.0 के रोल आउट के बाद बहुत सी समस्याएं बीपीएम लोगों के समक्ष आ रही हैं, जिनका इंस्टेंट सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, या कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो बड़े स्तर की हैं, उनका सॉल्यूशन उतनी आसानी से हम लोगों को नहीं मिल पा रहा है। तो दर्पण 2.0 के रोल आउट के साथ ही एक नई प्रोसेस भी आई है कि आपको जब भी कोई समस्या आए तो आपको टिकट रेज करनी है, और DO RO CO से होते हुए तक वो CPT से भी अगर रिप्लाई मिलने का होगा तो आपको रिप्लाई मिलेगा। तो हम सभी SPM, खासकर पोस्टमास्टर वर्क और जो SO या HO के इंचार्ज हैं, उनकी ये व्यक्तिगत जिम्मेदारी बनती है कि जो संबंधित BPM आपके समक्ष समस्याएं लाएं, किसी व्यक्ति विशेष या मंडली कार्यालय में मौखिक रूप से संपर्क करने पर यदि आपको समस्या का समाधान नहीं मिल रहा है तो आप दी गई वेबसाइट का प्रयोग करके अपनी टिकट को रेज कराएं, और वहां से सीधे ही वो टिकट ऑटोमेटिक DO को फॉरवर्ड हो जाएगी। फिर DO में दर्पण 2.0 को देखने वाले व्यक्ति की ये जिम्मेदारी है कि वो उस क्वेरी का रिप्लाई दें, और यदि उन्हें रिप्लाई नहीं पता है तो उसे वो RO फॉरवर्ड करें। RO में अगर उस प्रश्न का उत्तर, उस क्वेरी का आंसर उन्हें पता है तो रिप्लाई दें, नहीं तो वो CO को फॉरवर्ड करें, और CO से वो CPT को फॉरवर्ड होगा। तो करना क्या है, गूगल पे आपको जाना है और CPT.gov टाइप कर दीजिएगा। ये पहला CPT.gov.in, इसको ओपन कर लीजिए। इसमें लॉगिन करने के लिए आप जो PMA में ID और पासवर्ड का यूज करते हैं, अर्थात फैसिलिटी ID और पासवर्ड, उसी का प्रयोग करेंगे। फैसिलिटी ID और पासवर्ड डाल देंगे, वेरिफिकेशन डालेंगे 82123। इसमें लॉगिन करने के लिए आप मंडली कार्यालय से संपर्क कर हेल्प ले सकते हैं, और ज़्यादातर लोग PMA में लॉगिन कर ही रहे होंगे। तो लॉगिन किया, अब देखिए लॉगिन करने पर जो नई विंडो खुली है उसमें एक अलग सा पोर्शन दिख रहा है दर्पण का। यहाँ पे दर्पण पर क्लिक करेंगे, फिर देखिएगा ऐड टिकट, क्लोज टिकट, सर्च टिकट का ऑप्शन आ रहा है, ऐड टिकट पर क्लिक कर देंगे। ऐड टिकट जैसे ही करेंगे ऑफिस का नाम, डिवीज़न, रीजन और सर्किल ऑटोमेटिक भरे होंगे, आप इसको एडिट नहीं कर सकते हैं। सब्जेक्ट और प्रॉब्लम का डिस्क्रिप्शन लिख देना है। सब्जेक्ट में जैसे BO का अगर बैक डेटा ओपन नहीं हो रहा है, लिख देंगे BO बैक डेटा वर्चुअली डेटा नॉट रिसीव्ड, फिर पूरी डिटेल लिख देंगे। डिटेल लिखते समय आपको ध्यान रखनी है मैक्सिमम जितनी आप जानकारी दे सकें। जैसे सपोज करिए मुझे टिकट रेज करनी है कि BO में जो बैग RICT से हम लोग काट रहे हैं उनका डेटा, वर्चुअल डेटा रिसीव नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन को लिखते समय हम ये लिखेंगे कि BO, उसकी फैसिलिटी ID लिखी, BO 33 या जो भी आपकी हो, को एक BO स्लिप जनरेट की गई है, डेट इतनी है, बैग लेवल इतना है, 10:50 पर ये ऐसा प्रोसेस किया गया SO लेवल पे, लेकिन 11 बज जाने के बाद भी या 2 बज जाने के बाद भी ये बैग ओपन नहीं हो पा रहा है, काइंडली रिजॉल्व द इशू। फिर यहाँ पे सबमिट कर देंगे। जैसे आप सबमिट करेंगे एक टिकट रेज हो जाएगी, उसको आप नोट कर लीजिएगा, और उसके बाद आप फ्यूचर में देखना चाहते हैं उसका स्टेटस, तो यहाँ पे सर्च टिकट पर क्लिक करेंगे। सर्च टिकट पर क्लिक करने से होगा क्या, अभी तक आपने जितनी भी टिकट रेज की हैं उनका विवरण मिलेगा, उस पर अब तक क्या कार्रवाई RO CO DO या आगे CPT लेवल से हुई है वो आपको देखने को मिलेगी, और जो फाइनल रिप्लाई आता है आप उससे संबंधित का हल ढूंढ सकते हैं। जैसे कि देखिए मैंने एक टिकट रेज की हुई है ये किस प्रकार की, कि वर्चुअल डेटा नहीं रिसीव हो रहा है, तो यहाँ पे देखिएगा रिप्लाई आते हैं कि आप इस तरीके से रिप्लाई कर सकते हैं, रिप्लाई आए हैं, डेट ऑफ रिप्लाई लिखा हुआ है और आगे की फर्दर क्वेरी। तो सभी से निवेदन ये